भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम। 85वां सर्ग। गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा, निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं, इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। ककुत्स कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था,
उसी समय सूर्य देव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरण जन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छवास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता, इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्र चित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 86वां सर्ग। निषाद राज गुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भली भांति विश्राम करो। यह मैं, सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक ना हो। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा।
इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है? गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौसल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही, हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके वलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गज यूथ पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जा